मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए लगातार राजनीतिक दल सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। इसी बीच तीसरे मोर्चे के तौर पर भी कई पार्टियां उभर कर सामने आई है, जो खुद को उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस से बेहतर विकल्प बता रही है। इसी बीच सोमवार को इंडिया जनशक्ति पार्टी ने अपने 28 उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही जनता के हक पत्र की सूची जारी की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर सिंह अंजना ने कहा कि हम मध्य प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में जनता की पहली पसंद बने हुए हैं और उपचुनाव में 10 सीटों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। ईश्वर सिंह अंजना ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। दोनों ही दल प्रदेश की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। ईश्वर सिंह आंगना, इंडिया जनशक्ति पार्टी प्रदेश अध्यक्ष। आज इंडिया जनशक्ति प्रदेश कार्यालय पे जो प्रेस वार्ता रखी गई है उसमें 28 सीटों पे उम्मीदवारों की घोषणा की गई है और पार्टी किसान और बेरोजगारी के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश की जो हालत है उसमें एक ही पार्टी है, दूसरी पार्टी की ज़रूरत थी। क्योंकि आज अब बात करेंगे बीजेपी कांग्रेस, तो हम नहीं मानते कि दो हैं, क्योंकि आप कांग्रेस को वोट दीजिए, बीजेपी को राज करवाइए। इसलिए आज इंडिया जनशक्ति पार्टी की ज़रूरत है लोगों को, और इंडिया जनशक्ति पार्टी अपनी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। जी, हम लोग बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे को लेके जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई मध्य प्रदेश की सबसे बढ़कर है, सभी राज्यों से ज़्यादा महंगा आज मध्य प्रदेश है। तो इन्हीं सारे मुद्दों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। राइट टू रिकॉल और समपरपालिका जो हम लोग लाना चाहते हैं, उसी के लिए पार्टी चुनाव लड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।